इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डे ऑफ वेडनेसडे एंड द डेट इज 16 सितंबर 2020 एंड द लेक्चर इज इंग्लिश क्लास 6 यूनिट नंबर 1 कॉमन नाउंस। टुडे वी विल रीड अबाउट कॉमन नाउंस। द कॉमन नाउंस एज यू नेम ऑफ कॉमन वर्ड्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग एंड द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन वर्ड्स, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और थिंग्स। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द अराउंड अस जो है बहुत आम लोग जो कि बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं हमारे इर्द गिर्द, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि तादाद में बहुत सारी हैं। इनमें से जैसे कि आपको आज मैं बताऊंगी, जैसा कि चेयर जो है वो कुर्सी है, वो एक कॉमन नाउन है, उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, ये एक कॉमन नाउन है। टेबल, मेज़, फ्लोर, फर्श, डोर, दरवाज़ा, वाटर, पानी, वॉल, दीवार, डेस्क, डेस्क, सिस्टर, बहन, गर्ल, लड़की, सन, बेटा, लिप, होंठ, चाइल्ड, बच्चा, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, हेड, सर, फेस, चेहरा, फादर, बाप, अंकल, मामू या चाचा, हम दोनों को कह सकते हैं, बॉय, लड़का, मैन, आदमी, आंट, मुमानी या चाची, हम दोनों को कह सकते हैं। स्टूल, स्टूल, बेंच, जैसे कि बेंच हमारे स्कूल में होते हैं, हम स्कूल में बहुत सारे बेंच देखते हैं, बुक, किताब, और ये बुक्स भी हो सकती हैं। ऐसे वर्ड्स जिनके सिंगुलर से उनके प्लूरल बन सकते हों, उन सबको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। पेन, कलम, इंक, रोशनाई, पेपर, कागज़, माउथ, मुंह, काओ, गाय, गॉट, बकरी या बकरा को कह सकते हैं, ऑक्स, बैल, कैप, टोपी, हैंड, हाथ, फिंगर, उंगली, आर्म, बाजू, टूथ, दांत, आई, आंख, नोज़, नाक, ईयर, कान, ब्रदर, भाई, डॉटर, बेटी, विंडो, खिड़की। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये आपकी बुक पे लिखे हुए हैं और उनके मीनिंग्स भी आगे लिखे हुए हैं, सो यू हैव टू लर्न दीज प्रॉपरली। दीज आर द वर्ड्स दैट आर नॉट रिटन इन योर बुक विद मीनिंग्स, सो यू हैव टू write the meaning of these words on your book. The word, first word is book, kitab, wall, diwar, window, khidki, plum, alucha, plant, pauda, sun, suraj, canal, nehar, pond, talab, deer, hiran. ये तमाम वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग्स इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स ये लिखे होंगे, आपने इनके उर्दू मीनिंग वहाँ मैंशन करने हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनके उर्दू लिखी होगी जो कि आपने इसकी इंग्लिश के जो मीनिंग्स हैं उनको आपने अपनी बुक पे मेंशन करना है, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। बैल, ऑक्स, दवात, इंकपोट, आँख, आई, घुटना, नी, टुकना, टो, खिलाड़ी, प्लेयर, मदरसा, स्कूल, पता, लीव। सो दिस इज़ योर क्लास वर्क, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। एंड क्लासिक्स इंग्लिश जो है आपका होमवर्क ये होगा, प्रीपेयर टेस्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग एंड ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अक्रॉस द इंडस। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, आपके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये लेक्चर दिया है जिसमें वर्ड्स मीनिंग भी हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, तो आपने इनका टेस्ट प्रिपेयर करना है, ऑल क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन फॉर द टेस्ट ऑफ द टॉपिक अक्रॉस द इंडस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, कीप योर हेल्थ गुड and prepare your test properly. Allah Hafiz.